पूर्णिया में धूमधाम से निकाली गई शौर्य संचालन शोभा यात्रा। जिले के विभिन्न संगठनों ने मिलकर गीता जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा को निकाला। दरअसल गीता जयंती बीते 14 दिसंबर को था, लेकिन जिले में 14 दिसंबर को पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर यह यात्रा स्थगित कर दी गई थी और सभी संगठनों ने इसे रविवार 19 दिसंबर को निकालना तय किया। ये यात्रा गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी प्रांगण से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए पुनः ठाकुरबाड़ी प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इसमें मथुरा से आई झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा बाहर से ढोल नगाड़े भी इस यात्रा की शोभा बढ़ाते दिखे। इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को झांकी के माध्यम से दिखाना था। बिल्कुल, गीता जयंती के पावन अवसर पर यह आयोजन की गई थी। ज्ञात हो कि 14 दिसंबर को गीता जयंती था, लेकिन पूर्णिया के सभी संगठन, एक जिम्मेवार संगठन है, पंचायती राज चुनाव का मतगणना होना था 14 तारीख को, तो हम लोगों ने रविवार का चुनाव किया, यानी 19 से 14 से 20 के बीच में हम लोग किसी भी तिथि में कर सकते थे। तो रविवार चूँकि यातायात की व्यवस्था कम होती है, तो आज का दिन चुनाव किया गया और सारे संगठन, शहर के जितने संगठन के लोग मिलकर इस आयोजन को शोभा यात्रा के रूप में निकाले, जिससे मथुरा से झांकी आई थी, ढाक वाले बाहर से आए थे और ग्रामीण और शहर के लोग मिलकर इस शोभा यात्रा में शामिल थे। कहाँ से ये निकले थे, कहाँ तक आई है? ये गोकुल ठाकुरबाड़ी जो यहाँ पर हमारा उद्गम स्थल, यहीं से हम लोग की निकासी हुई और यहाँ से हम लोग निकल के रजनी चौक गए, लखन चौक, कालीबाई चौक, अहिंसा चौक, मेन रोड होते हुए लाइन चौक, फिर पुनः शिव मंदिर, उर्दू स्कूल चौक होते हुए वापस गोकुल ठाकुरबाड़ी में ये कार्यक्रम का समापन हुआ। शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? बिल्कुल, मुख्य उद्देश्य ये होता है झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति को दिखाना का, क्योंकि ये सारे संगठन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वर्ष भर कार्यक्रम करते रहते हैं, तो झांकियों के माध्यम से शहर को बतलाना कि इन झांकियों से हमारी कहीं ना कहीं संदेश है। ऊपर से जो युवा कहीं ना कहीं व्यस्त हो जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि पूर्णिया में कहीं ना कहीं स्मैक के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति लोग व्यस्त हैं, तो उन्हें कार्यों में व्यस्त रखना, चार दिन पहले से शहर में ध्वज लगाना, कार्यक्रमों की तैयारी करनी होती, कोई कारीगर कर रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, इस तरह से युवाओं को अच्छे कार्यों में व्यस्त करना। सभी संगठन के लोग, इसमें विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेवा संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू रक्षा संगठन, सभी संगठन के लोग हैं, बहुत सारे, बालाजी सेवा संघ, उसके अलावा भी और भी सभी संगठन के लोग जिसका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। कितने लोग इस झांकी में शामिल हुए होंगे इस मार्च में? लगभग हमको लगता है कि 10,000 से ऊपर की संख्या थी और रास्ते में जो माताएं बनी थी वो भी शामिल होते गई, तो उसको भी माना जाए इसी शोभा यात्रा का हिस्सा। राणा प्रताप सिंह, श्री राम संघ संयोजक। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार।